बस आपको पेशेंट रहना होगा और सही समय का वेट करना होगा उस दिन का जब आपका पर्सन आपके सामने आकर सब कुछ बोलेगा। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपका पर्सन और आप अभी काफ़ी डिस्टेंट हो चुके हो एक दूसरे से एंड इस टाइम पे आप दोनों लाइफ के दो अलग अलग मोड़ पर खड़े हुए हो। आप दोनों के बीच में फासला काफ़ी ज़्यादा है और ये चीज़ आपके पर्सन को हर पल काटा बन के चुभती है। भले ही आप दोनों के बीच का फासला काफ़ी ज़्यादा हो, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन, जो दिल का रिश्ता है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे से एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट करते हो एंड एक दूसरे को बहुत समझते हो और ये चीज़ आपका पर्सन बहुत मिस करता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि दूसरों की तरफ काफ़ी काइंड हैं एंड आप जेन्युइनली दूसरों की मदद करते हो जब वो मुश्किल में आते हैं, क्योंकि आपको पसंद है कि आपके सराउंडिंग में सब खुश रहें, हंसते रहें। यही चीज़ आपका पर्सन आप में सबसे ज़्यादा पसंद करता था। आप कोई मोटिव के बिना ही दूसरों के लिए जितना करते थे, वैसे उन्होंने कभी भी किसी को करते हुए नहीं देखा। उन्होंने आपसे काफ़ी सारी सीख ली एंड आपके साथ रह के उनमें काफ़ी ग्रोथ भी आया। इनफैक्ट आप दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे थे। आप दोनों के बीच का कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और ये बात आपके पर्सन को बहुत दुख देती है। इन सब के बावजूद भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया। उससे भी बढ़कर उनको इस बात का दुख है कि वो आपको चाहते हुए भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ अपना नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं। पर आखिर क्यों है ऐसा, वही हम जानेंगे आगे। अब आते हैं आपके पर्सन पर। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके मन में सबके लिए प्योर इंटेंशंस हैं, पर हर एक इंसान उन्हें गलत समझता है। वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है, तो वो अगर नॉर्मली किसी से बात करें तब भी उन्हें लगता है कि वो उनके साथ कोई ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के बारे में फर्स्ट थॉट यही आती है कि वो शायद ऑनेस्ट नहीं है, ईगोइस्टिक हैं। पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को ना कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, क्योंकि वो दिल खोलकर सबके लिए अच्छा करना पसंद करते हैं, तो लोग उनको ज़्यादातर गलत ही समझते हैं। पर आपने कभी भी उनको गलत नहीं समझा। आपने उनके अंदर के ट्रू इंटेंशंस को पहचाना और आपका पर्सन काफ़ी खुश था कि उनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो उनको सच में जानता है और उनको गलत नहीं समझता। पर जब आप दोनों का कनेक्शन टूट गया तो आपके पर्सन को काफ़ी गहरा सदमा लगा और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे। आपने उनका जितना ध्यान रखा है वैसे कभी किसी ने नहीं रखा। इनफैक्ट आपका पर्सन सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आप जैसा कोई उनकी लाइफ में आया तो सही। पर आपके पर्सन का जो पास्ट है ना, वो काफ़ी रफ है। मतलब उनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा और ये बात उनके प्रेजेंट को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। आपका पर्सन किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनके ट्रस्ट का मिसयूज़ बहुत बार हुआ है। दोस्ती में भी उनको धोखे मिले हैं, पर सबसे बड़ा धोखा उनको किसी पास्ट रिलेशनशिप से ही मिला है, जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिलेशनशिप इकलौती वजह है कि आपका पर्सन इन सब चीज़ों से डील कर रहा है। असल में बात बहुत बड़ी है। ज़िंदगी में उन्होंने जिसको भी अपना समझ के गले लगाया, उन्हीं लोगों ने उनको ठुकराया, और ये वजह है कि वो अब डरते हैं किसी से भी प्यार करने को, किसी पर भी विश्वास करने को। आपके पर्सन की एक चीज़ बहुत ही बुरी थी कि वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझते थे, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती थी। वो आपकी छोटी छोटी बातों से राई का पहाड़ बना लेते थे और इश्यूज क्रिएट हो जाते। गलती इसमें पूरी उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनका पास्ट इतना रफ है कि उनके खुद के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसको कभी भी मौका नहीं मिला रिकवर होने का। अभी आपका पर्सन समझता है कि उनकी गलती कहाँ कहाँ थी और उन्हें वो सुधारना चाहते हैं, पर
उनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी आपको क्लोजर नहीं दिया। पर ये बात बहुत सच है कि आपका पर्सन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपको बहुत चाहते हैं एंड आपको वो कभी भुला नहीं पाएंगे। अब शायद उनकी ज़िंदगी में उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने उनको सच में खुले मन से प्यार करा एंड उनको गलत नहीं समझा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपका पर्सन ना अभी बहुत कंफ्यूज्ड है इन चीज़ों को लेकर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें एंड आपको सब बोले तो कैसे बोलें। उनके अंदर वो करेज ही नहीं आ रही कि वो आपके सामने आकर सब कुछ बोलें और उनके मन की ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। वो डरे हुए हैं कि आप शायद उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं चाहेंगे और यही डर उन्हें रोक रहा है। देखिए, ये सच है कि हम अक्सर बोलते हैं कि अतीत में क्या रखा है, पास्ट में जीने से कुछ नहीं मिलता और मूव ऑन करना ही सही रहता है। पर जिस पर बीतती है ना, वही समझ पाता है कि वो दर्द आखिर क्या दर्द होता है। आपके पर्सन के साथ भी यही चीज़ है, बस वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप वाले से प्यार करते हैं या ऐसा कुछ, बात ऐसी है कि आपके पर्सन के दिल में जो दाग, जो घाव है, वो अब तक भरा नहीं। वही डर, वो इनसिक्योरिटीज़ उन्हें रोक रही हैं आगे बढ़ने से। वो बस सोच रहे हैं कि वापस उनका दिल टूटा तो वो शायद खुद को समेट कर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपका पर्सन ना अभी एक हीलिंग स्टेज में है, उनके अंदर के डर को बस वही मार सकते हैं, पर इन सब के लिए उनको काफ़ी टाइम एंड ताकत की ज़रूरत होगी। हाँ, ये सच है कि अगर आज आप उनके साथ होते तो उन्हें और भी ज़्यादा हौसला मिलता, सपोर्ट मिलता, पर जो नहीं है सो नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ना अकेले ही लड़ी जाती हैं, उसमें आपका साथ कोई नहीं दे सकता और इस लड़ाई में भी आप अपने पर्सन का साथ नहीं दे सकते। ये उनके अकेले की लड़ाई है और उन्हें लड़ने दीजिए। वो जितना लड़ेंगे उतना सीखेंगे और उतना ही उनके लिए बेटर होगा। बस आपको पेशेंट रहना होगा और सही समय का वेट करना होगा, उस दिन का जब आपका पर्सन आपके सामने आकर सब कुछ बोलेगा। बस टाइम दीजिए ताकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हमेशा हमेशा के लिए साइड करके आपके पास आ सकें। आई फील कि आपका पर्सन आपको बहुत कुछ कन्वे करना चाहता है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि गलती उनकी थी, पर दोष हमेशा उन्होंने आपको दिया। उन्होंने काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी थी उनकी इनसिक्योरिटीज़ के चलते एंड पूरी चीज़ उन्होंने आप पर ब्लेम कर दी कि आप उनकी बात को समझ नहीं रहे हो। उन्होंने आपको कोई क्लोजर ही नहीं दिया और ये बात उन्हें बहुत सताती है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे, बट उनमें इतना करेज ही नहीं था कि अपनी गलतियां मान ले। वो आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल भी हैं, आपने उनको इतना सब सिखाया जो कि उन्हें आज भी हेल्प करता है। वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपको कभी सच नहीं बोला। शायद बोला होता तो आज आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते। उन्होंने आपको काफ़ी भला बुरा सुनाया और वो यही दुआ करते हैं कि वो सब उन्होंने ना किया होता, क्योंकि इन सब के चलते आपका दिल बहुत दुखा है जो नहीं होना चाहिए था। वो आपको हर पल मिस करते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि आप उनसे दोबारा मिलो या अचानक उनकी आँखों के सामने आ जाओ। आपका पर्सन बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने आपसे बुरा सलूक किया, पर वो बहुत खुश और प्राउड फील करते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो एंड आप अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हो प्रोफेशनली। आप जब उनके साथ होते थे तो वो अपनी ज़िंदगी की कमियों को भुला देते थे। वो यही विश करते हैं कि आप दोनों की मुलाकात दोबारा हो और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना और ये चीज़ उनको लो टाइम्स में मोटिवेट करती है।
वो आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं और दोबारा मौका मिलेगा तो वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। कार्ड्स आपको बस यही बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें गलत समय पे सही इंसान मिलता है, बस टाइम ठीक होने तक का इंतज़ार करिए और पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके एडवाइस पूछूंगा, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। गो आउटसाइड, ये फेरी कहना चाहती है कि ये टाइम है आपका अपनी सराउंडिंग में बाहर निकलने का। आपको यहाँ बाहर निकल के नेचर से अपनी एनर्जी सीक करनी चाहिए, वही आपको आपकी खोई हुई एनर्जी लौटा सकता है। आपको नेचर के बीच बस शांति से बैठना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बस अपने सराउंडिंग को एक्सपीरियंस करना है। जब आप खुद के साथ ऐसा वक्त बिताएंगे तो नेचर भी आपकी मदद करने के लिए आपको आपकी लाइफ में साइंस देना शुरू करेगा जो कि इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। क्या आप दोनों एक हो पाएंगे जाने स्क्रीन पर शो हो रहे इस नेक्स्ट टैरो रीड में? पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर देख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।